राजनीति जब असल मुद्दों से भटककर छिछली बातों पर फोकस हो जाती है तो क्या सामने आता है, ये ट्विटर पर गुरुवार को इस हैशटैग के ट्रेंड होने से पता चलता है। ये हैशटैग क्यों ट्रेंड हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, इस पर स्टोरी में आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले गुजरात की ताजा राजनीतिक स्थिति पर जरा बात कर ली जाए। गुजरात विधानसभा चुनाव जल्दी ही होने हैं। इस बार राज्य में बीजेपी और कांग्रेस जैसी चिर प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के अलावा नए प्लेयर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से मैदान में है। लेकिन यहाँ चुनाव से पहले नीतियों या असल मुद्दों से ज्यादा व्यक्ति विशेष पर हमलों की गूंज अधिक सुनाई दे रही है। जहाँ गुजरात में आम आदमी पार्टी के राज्य प्रमुख गोपाल इटालिया का एक वीडियो बहुत चर्चा में है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करते देखे जा रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन बीजेपी इसे मोदी का अपमान बताते हुए गुजरात के वोटरों के सामने रख रही है। अब चुनाव लड़ने के लिए सोशल मीडिया भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र में या किसी भी राज्य में चुनाव आने होते हैं तो राजनीतिक दलों के आईटी सेल बहुत पहले से सक्रिय हो जाते हैं। गुरुवार 13 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर ठरकी केजरीवाल हैशटैग ट्रेंड होने लगा। इसके पीछे वजह बताई गई कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एसपी फॉर कीप्स नाम के एक ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया। इस अकाउंट के 1,29,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं और इस अकाउंट की ओर से 8 को फॉलो किया जाता है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तरह के स्क्रीनशॉट्स लगाए जिसमें देखा जा सकता है कि एसपी फॉर कीप्स के ओनली फैंस पेज अकाउंट से केजरीवाल का स्वागत किया गया और बाद में चैट करने का वादा किया गया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने बोल्ड कंटेंट वाले एसपी फॉर कीप्स अकाउंट को फॉलो किया। इसके समर्थन में इन यूजर्स ने इस तरह के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगाए। इसके बाद केजरीवाल पर एक हैशटैग विशेष के साथ तरह तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर आने लगे। देखते ही देखते ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के ट्विटर से जिन हैंडल्स को फॉलो किया जाता है उसकी जांच की गई तो उसमें एसपी फॉर कीप्स नाम वाला कोई अकाउंट नहीं दिखा। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में एसपी फॉर कीप्स को फेक अकाउंट बताया गया है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के नॉन इश्यूज को ट्रेंड कराए जाने के पीछे मंशा क्या होती है और इनसे गुजरात के वोटर्स का क्या फायदा होने वाला है और उनकी कौन सी बुनियादी समस्याओं का निदान होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।